आई एम मुकेश रामानी फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज करौली इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी फ्लूड मैकेनिक सब्जेक्ट की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में, जिसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आपका प्रॉपर्टीज़ जो की थी डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, बल्क मॉडुलस, कंप्रेसिबिलिटी और विस्कोसिटी, और उसके ऊपर हमने कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं आपका सरफेस टेंशन। तो अगर हम बात करें सरफेस टेंशन की, जिसको आप बोलते हो पृष्ठ तनाव, तो अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, पृष्ठ तनाव मतलब नाम से ही है आपका, ये एक सरफेस फिनोमिनन है, मतलब ये एक किसी भी पृष्ठ के ऊपर आने वाला गुण होता है, और इस गुण के द्वारा किसी भी पृष्ठ पर एक पतली झिल्ली, जिसको आप मेम्ब्रेन बोलते हो, उसका फॉर्मेशन हो जाता है, और ये जो पतली झिल्ली है ये बहुत से कम से कम लोड को सहन करने की ताकत रखती है। तो ये तो हो गया कि जो सरफेस टेंशन है उसको कैसे परिभाषित किया जाता है। दूसरी बात ये आती है कि जो पतली झिल्ली है वो किस प्रकार से बनती है, या इसका जो कारण है वो क्या हो सकता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए हम एक कंसीडर करते हैं, आपकी कोई भी द्रव की स्टैटिक यानी स्थैतिक द्रव है, और इसकी कोई भी इस तरह से सरफेस है, और इस सरफेस, जब भी ये सरफेस एयर के कांटेक्ट में या किसी और अन्य तरल के संपर्क में आती है, तो यहाँ पे सरफेस टेंशन का क्रिएशन होता है। तो सपोज हम इस स्टैटिक लिक्विड में या स्टैटिक जो भी स्थैतिक द्रव है उसमें एक मॉलिक्यूल्स अणु को कंसीडर करते हैं। एक अणु हमने इसके मध्य में माना, और ये अणु के चारों तरफ इसके जैसे कई सारे अणु होंगे। सपोज इस तरह से कई सारे अणु इसके चारों तरफ विद्यमान होंगे, और इन दोनों अणुओं के बीच में संसंजक बल होने की वजह से अट्रैक्शन, आकर्षण बल लगता है। ये पार्टिकल्स के बीच इस तरह से होगा, और इस पार्टिकल के बीच इस तरह से अट्रैक्शन बल होगा, आकर्षण बल होगा। सेम इसी प्रकार से इस अणु इस तरफ खींचेगा तो ये अणु इसको इस तरफ खींचेगा, तो इस वजह से इसके ऊपर जो भी मॉलिक्यूल ए है इसके ऊपर चारों दिशाओं में जो भी बल हैं वो आपस में एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं, जिस वजह से ये जो मॉलिक्यूल से जो कि मध्य में है ये साम्यावस्था की कंडीशन में रहता है। तो ये आपका हमेशा साम्यावस्था की कंडीशन में होगा, तो यहाँ पे सरफेस टेंशन का कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। सेम अगर हम बात करें, एक दूसरा मॉलिक्यूल्स बी है जो कि अब हमने माना पृष्ठ के ऊपर, क्योंकि ये जो सरफेस टेंशन है ये आपकी एक पृष्ठ की प्रॉपर्टी है। तो इस बी की अगर हम बात करें, तो इस बी के नीचे तो इसके जैसे कई सारे अणु होंगे, लेकिन इसके ऊपर इसके जैसा कोई भी अणु नहीं होगा। तो अगर हम संसंजक मतलब कोहेसिव फोर्स की बात करें, तो इस तरफ से ये सारे मॉलिक्यूल्स अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, आकर्षित करने की कोशिश करेंगे, और इनका जो रिजल्टेंट होगा वो अब सारे बल एक दूसरे में कैंसिल नहीं होने की वजह से इनका जो परिणामी बल होगा वो अब नीचे की डायरेक्शन में होगा। इधर सारे बल एक दूसरे को संतुलित कर रहे थे, तो यहाँ पे कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं था, असंतुलित बल नहीं था, लेकिन यहाँ पे इस रिजल्टेंट फोर्स को बैलेंस करने के लिए ऊपर की तरफ कोई भी बल नहीं है, तो इस वजह से ये जो अनबैलेंस्ड फोर्स है ये इस सरफेस को नीचे खींचने की कोशिश करेगा, और अगर ये खींचने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे तनाव उत्पन्न होगा, और तनाव उत्पन्न होने की वजह से यहाँ सरफेस पे एक पतली झिल्ली का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी पतली झिल्ली के बनने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो अगर एक हम सिंगल परिभाषा में बात करें, तो ये जो सरफेस टेंशन है ये किस वजह से होता है, ये सरफेस टेंशन हमेशा असंतुलित बलों की वजह से होता है। ये हमेशा आपका होगा असंतुलित संसंजक बल की वजह से। तो अगर किसी भी सरफेस पे असंतुलित संसंजक बल होंगे तो वहाँ पे सरफेस टेंशन की प्रक्रिया होगी। और जब भी सरफेस टेंशन की बात की जाती है तो सरफेस टेंशन को हमेशा एक लाइन फोर्स माना जाता है, और सरफेस टेंशन को हम सिग्मा सिंबल से निकालते हैं, और मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो सिग्मा को परिभाषित किया जाता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। जो सिग्मा होगा सरफेस टेंशन, उसको फोर्स पर यूनिट लेंथ प्रति इकाई में लगने वाला जो बल होता है उसी को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। तो पतली झिल्ली का बनना ही आपका सरफेस टेंशन कहलाता है। गणितीय रूप में हम इसको एफ अपॉन एल से लिख सकते हैं। तो ये पूरी बात हुई आपकी जो प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन की। दूसरा आता है कि जो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन पर तापमान
का प्रभाव, सरफेस टेंशन पर तापमान का प्रभाव क्या होगा। तो किसी भी लिक्विड में अगर हम तापमान को बढ़ाते हैं तो उसकी जो कोहेसिव फोर्स हैं, कोहेसिव फोर्स की जो टेंडेंसी होती है, कोहेसिव फोर्स काफ़ी वीक हो जाते हैं, और वीक होने की वजह से जो पहले ये इतना अनबैलेंस फोर्स था तो उसकी वैल्यू कम होने की वजह से ये जो टेंशन है वो भी कम हो जाएगी, और टेंशन कम होने की वजह से सरफेस टेंशन की वैल्यू भी कम हो जाती है। तो किसी भी लिक्विड पे अगर हम तापमान को बढ़ाएं, तापमान को अगर हम बढ़ाते हैं तो सरफेस टेंशन हमेशा उसकी कम हो जाती है। तो कई सारे एग्जाम्पल्स भी होते हैं कि जो भी सर्फेक्टेंट्स हैं, सर्फेक्टेंट्स का मतलब आपका होता है जो भी आप सर्फ साबुन वगैरह यूज़ करते हो कपड़े धोने के लिए, उसको हम बोलते हैं सर्फेक्टेंट्स। सर्फेक्टेंट्स कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं कि जो सरफेस टेंशन को कम कर देते हैं, और इसी वजह से हम जो कपड़े हैं या जो उनको अच्छी तरह से वॉश कर पाते हैं। तो सपोज़ आपका कोई भी एक क्लॉथ है, उसका अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इस हिसाब से उसका स्ट्रक्चर होगा, और ये आपका कोई गंदा कपड़ा है तो इसके बीच में अणु या मिट्टी वगैरह जो भी होगा वो फिल्ड रहता है। तो जैसे ही हम इसको पानी में भिगोते हैं तो यहाँ पे झिल्ली बन जाती है जो कि एक सरफेस टेंशन का काम करता है। लेकिन इसके साथ अगर हमने सर्फेक्टेंट वगैरह सर्फ वगैरह अगर हमने इसमें और मिलाया तो ये सरफेस टेंशन की वैल्यूज़ को कम कर देते हैं, तो उससे जो झिल्ली उनका फॉर्मेशन नहीं हो पाता, जो आपका पानी है वो ईजिली इन पोर्स के बीच में एंटर कर जाता है और आपकी जो गंदगी है वो बाहर की तरफ निकल जाती है। तो ये जो सर्फेक्टेंट्स हैं, जितने भी आपका सर्फ है, जितने भी आपके सोप्स हैं, ये सारे सर्फेक्टेंट्स कहलाते हैं जो कि सरफेस टेंशन की वैल्यू को कम कर देते हैं, और साथ में ही आपका जो वॉश जो क्लॉथ है वो अच्छी तरह से वॉश हो पाता है। और दूसरा अगर हम बात करें कि जो टेम्परेचर, किसी भी लिक्विड के टेम्परेचर को बढ़ाने से उसकी सरफेस टेंशन कम हो जाती है। तो ये बेसिकली पूरा डिस्कशन था आपका जो सरफेस टेंशन है उसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। सरफेस टेंशन के बाद हम एक और चीज़ को डिस्कस करते हैं जो कि आपका दिया जाता है कि किसी भी बूंद के अंदर जो दाब है बाहर के दाब से कितना अधिक है, वो डिपेंड करता है सरफेस टेंशन की वैल्यू पर। इसके ऊपर भी कई सारे क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें आपका एक टॉपिक जिसको आप बोलते हो प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉपलेट, मतलब बूंद के अंदर दाब अधिक है, मतलब बाहर के दाब से अंदर का दाब कितना अधिक है उसके बारे में कैसे बात की जाए। तो सपोज़ मैं कंसीडर करता हूँ ये आपकी कोई भी ड्रॉपलेट है, तो ये जो ड्रॉपलेट है उसकी शेप हमेशा स्फेरिकल होगी। वो स्फेरिकल इस वजह से होगी जो कि सरफेस टेंशन का फोर्स होता है वो हमेशा शेप को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करता है। मिनिमम सरफेस एरिया हमेशा स्फेयर का होता है, तो इस वजह से ये शेप आपकी ऐसी आती है। लेकिन अगर सरफेस टेंशन ही केवल हो तो इसका एरिया मिनिमम होते होते ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो ये एग्जिस्टेंस केवल इसी वजह से कर पाती है क्योंकि इसके अंदर भी आपका प्रेशर होता है। तो ये जो प्रेशर होता है वो इसको एक्सपेंड मतलब फैलाने की कोशिश करता है, और सरफेस टेंशन जो है वो उसको आपका सरफेस टेंशन फोर्स की वजह से इसको सिकोड़ने की कोशिश करता है। तो साम्यावस्था की एक ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पे सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स है और जो प्रेशर की वजह से जो फोर्स है वो आपस में बराबर हो जाते हैं। तो यही रीज़न है कि जो सरफेस टेंशन और प्रेशर फोर्स बराबर होते ही हम इसके आकार को भी बता सकते हैं या प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर मैं ये मानूँ जो पी है वो आपका दाब है और सिग्मा आपका सपोज पृष्ठ तनाव है और डी आपका सपोज व्यास है किसी भी बूंद का, तो प्रेशर अधिक प्रेशर दाब अधिक के मतलब बाहर के प्रेशर से कितना अधिक प्रेशर उसको पी माना है। तो अगर हम बात करें इसकी साम्यावस्था की, तो साम्यावस्था के लिए मैंने इसको एक पार्ट में डिवाइड किया और इसके इक्रम की बात की। तो एक शेप मैंने कंसीडर किया कुछ इस तरह से, ये एक शेप होगी। और तो इन पे दो चीज़ें काम करेंगी, एक तो सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन हमने अभी भी डिस्कस किया जो सिग्मा है इट इज़ एफ अपॉन एल, ये हमेशा लाइन फोर्स होता है तो ये हमेशा पेरीमीटर के में काम करेगा। तो इसकी जितनी भी पेरीमीटर होगी उस पे सरफेस टेंशन सिग्मा काम करेगा, और जो प्रेशर है वो हमेशा एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा, और ये जो प्रेशर की वजह से जो फोर्स होगा वो हमेशा नॉर्मल फोर्स होगा। तो ये प्रेशर की डायरेक्शन है और ये आपकी प्रेशर की वजह से जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में होगा, और सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स है जो इस डायरेक्शन में होगा। तो अगर हम बात करें साम्यावस्था की, साम्यावस्था के केस में जो प्रेशर फोर्स है मतलब जो प्रेशर दाब की वजह से जो फोर्स है प्रेशर फोर्स है वो बराबर हो जाता है आपका सरफेस टेंशन फोर्स, मतलब
एफ पी इज इक्वल टू एफ एस, मतलब प्रेशर की वजह से फोर्स और सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स। तो सबसे पहले अगर हम प्रेशर की बात करें, हम डिफाइन करते हैं प्रेशर को फोर्स अपॉन एरिया से, तो यहाँ से एफ पी तो ये हो जाएगा पी इंटू में एरिया। सरफेस टेंशन हमने अभी डिफाइन किया, इट इज़ एफ अपॉन एल, तो एफ एस को डिफाइन करने के लिए आपको जाता है सिग्मा इंटू में एल। तो पी एरिया, जितने एरिया पे ये प्रेशर एग्जिस्ट करेगा तो उससे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये एरिया का इसका डायमीटर डी है, तो ये पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा और ये दिया जाता है पाई बाई फोर डी स्क्वायर से। सिग्मा इंटू लेंथ, लेंथ मतलब सिग्मा जो कितनी लेंथ में काम करता है, तो ये सिग्मा इस पूरी लेंथ में काम करेगा और ये लेंथ आपकी होती है पेरीमीटर। तो इसका डायमीटर डी है तो पेरीमीटर आपकी पाई इंटू में डी। तो यहाँ से पाई कैंसिल होने के बाद जो प्रेशर का फॉर्मूला बन जाता है, इट इज़ फोर सिग्मा अपॉन डी। तो ये फॉर्मूला डिराइव्ड हुआ, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कोई भी न्यूमेरिकल में अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी बूंद के अंदर जो प्रेशर है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो फोर सिग्मा अपॉन डी से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह कि ये केवल बूंद के लिए, क्योंकि दूसरी चीज़ और डिस्कस की जाती है जिसको आप बोलते हो बबल। अगर हम बात करें बबल मतलब बुलबुले की, तो बुलबुले की अगर हम बात करें, बुलबुले और बूंद में जो अंतर है वो आपको पता है। जो बूंद है वो पूरी भरी हुई होती है लिक्विड से, लेकिन जो बुलबुला होता है वो अंदर भी एयर होती है और बाहर भी एयर होती है। इसका मतलब बुलबुले के केस में जो सरफेस टेंशन का इफेक्ट है वो दोनों तरफ से आता है। दो कंपोनेंट होने की वजह से जो अंदर का प्रेशर होता है वो टू टाइम्स फोर सिग्मा अपॉन डी हो जाता है, बाकी सब कुछ डेरिवेशन वही होता है। तो पी इज इक्वल टू एट सिग्मा अपॉन डी, तो दोनों में डिफरेंस है, ये बूंद के लिए है। तो ये फॉर्मूला आपका बुलबुले के लिए है। जल्दबाजी में हम बूंद और बुलबुले को पढ़ना भूल जाते हैं, तो ध्यान दें जब भी कोई क्वेश्चन की बात हो तो बूंद के बारे में बात की हुई तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, और बुलबुले की बात की जाए तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसके बाद के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि आपकी जो भी सरफेस टेंशन के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं उनके बारे में।